अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली डाइस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास नेचुरल डाइस, सेकंड है सिंथेटिक डाइस। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंथेटिक डाइस की क्लासिफिकेशन। सिंथेटिक डाइस को 8 हिस्सों में मुझे डिवाइड कर रखा है, जिनमें डायरेक्ट डाइस है, एसिड डाइस, वाट डाइस, एजोइक कलर्स, बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, डिस्पर्स डाइज एंड सल्फर डाइज। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डायरेक्ट डाइज और एसिड डाइज को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे है वाट डाइज। वी ए टी वाट डाइज। इसमें भी जिस तरह हमने प्रीवियस दो क्लासिफिकेशन सिंथेटिक डाइज में बात की है, डायरेक्ट डाइज में, एसिड डाइज में, कुछ बातें याद रखनी है आपने, कुछ बातें याद रखनी है, एक आधी एग्जांपल आपने याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट वाट डाइज को 1879 में बनाया गया। फर्स्ट वाट डाई इज प्रीपेयर्ड in 1879। पहली बात आपने ये याद रखनी है। वाट डाइज जितनी भी होती हैं ये अमूमन पानी में हल नहीं होती, दे आर इनसोलबल इन वाटर। ये पानी में अमूमन हल नहीं होती, लेकिन अगर पानी के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट को डाल दिया जाए तो ये अमूमन हल हो जाती है। But they are soluble in the presence of a reducing agent. एक रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सच एज सोडियम हाइड्रोसल्फाइड डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसल्फाइड को हमने डिजॉल्व कर रखना है कहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। मतलब सिंपल बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये अमूमन पानी में हल नहीं होती, अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जाए तो ये पानी में हल हो जाती हैं। ये बात एक सिंपल सी याद रखनी है आपने यहाँ पे। नेक्स्ट बात जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये है कि ये वाली जो डाई है ना, ये ज़्यादा अच्छी डाई मानी जाती है कॉटन के ऊपर करने के लिए, कपास के ऊपर लाइनन और रायोन, ये पॉलीमर्स हैं, इनके ऊपर इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। दीज आर फास्टेस्ट डाइज फॉर कॉटन, लाइनन एंड रायोन। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में फास्टेस्ट का मतलब बता रखा है। फास्टेस्ट का मतलब ये होता है कि आसानी के साथ चिमट जाती है, मतलब जितनी जल्दी से इनका रंग ख़राब नहीं होता, अगर हम इनको कर दें कॉटन के ऊपर, लिनन के ऊपर और रायोन, ये पॉलीमर से सारे के सारे से इनके ऊपर कर दिया जाए तो इसका कलर ख़राब नहीं होता। और जो वाट डाइज है ना, इसको हॉट डाइज कहते हैं या हॉट वाटर डाइज कहते हैं। वाट डाइज आर हॉट वाटर डाइज। ये हॉट वाटर डाइज होती है, मतलब इसको अप्लाई करने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है और उसके बाद ये अप्लाई होगी। ये एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, पहले पानी को गर्म करोगे फिर उसके बाद इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, सही। इसके बाद जो वाट डाइज है ये बहुत लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, लेकिन हम अमूमन जो डाई लेके आ रहे होते हैं वो आपने देखा होगा, अगर कपड़े वगैरह डाई करने हो ना तो हम बाज़ार से जो लेके आते हैं वो सॉलिड फॉर्म में देते हैं, पाउडर फॉर्म में। लेकिन ये वाली डाई है
ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर और सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है. दीज या दिस डाई इज अवेलेबल इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड फॉर्म. ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं और सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं. ये डाई अगर देखा जाए ये एक्सपेंसिव है. हमने प्रीवियस जो पढ़ी है वो थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव थी, चीप थी. सो ये दिस डाई इज एक्सपेंसिव. दिस इज एक्सपेंसिव डाई. इसकी रीजन ये होती है कि इसका जो तैयार करने का तरीकाकार होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में. उसको जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं ड्यू टू इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन. इसको तैयार करने के लिए पैसे लग जाते हैं एंड एप्लीकेशन. और जब हम इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लगाते हैं उस वक्त काफ़ी सारे पैसे, क्योंकि पानी वगैरह गर्म करना पड़ता है इनको. इसके अंदर हमने ऊपर जिस तरह बात कही है कि पानी में अमूमन हल नहीं होती, लेकिन पानी में हल करने के लिए हम कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करने उसकी कॉस्ट लग गए, इसलिए ये थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है. लास्ट में हमारे पास एक वाट डाई की एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल को बनाना किस तरह है वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ. आपने सबसे पहले 3 बेंजीन रिंग बनानी है इस तरह, 1, 2, 3. फिर इसी तरह 3 बेंजीन रिंग यहाँ बना लेनी है आपने थोड़े से फासले पे, 1, 2, 3. ये हमारे पास आ गई जी बेंजीन रिंग, 3 ऊपर 3 थोड़ा सा नीचे करके बना लेनी है. अब करना ये है कि ये दरमियान वाली बेंजीन रिंग है इसके दोनों साइडों पे आपने ऑक्सीजन एटम लगा देने. सेम इस तरह यहाँ पर भी दोनों साइडों पर आप लगाओगे ऑक्सीजन एटम. इसके बाद यहाँ पे आपने इसको N और साथ में H लगा के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है. सेम काम N और H लगा के आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है. अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये है वाट ब्लू फोर, जो कि हमारे पास वाट ब्लू फोर की स्ट्रक्चर है. सही है. तो इस टॉपिक पे हमने जो बातें कही हैं, वाट डाइज 1879 में तैयार किया गया, पानी में हल नहीं होता लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे पानी में हल हो जाता है, ये फास्टेस्ट होता है मतलब इसका कलर नहीं उतरता अगर हम कॉटन के ऊपर लगा दें, लिनन के ऊपर, रायन के ऊपर. ये हॉट वाटर डाइज कहलाते हैं. ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर और ये एक्सपेंसिव होते हैं. ये बातें हमने चाहते हैं कि यहाँ पर लिखी हैं. सही है. इनको टू द पॉइंट याद रखिएगा इस तरह फिंगर टिप्स के ऊपर कि ये वाली बातें जो कि मैंने वहाँ पर लिखनी है. सही है. तो यही हमारे पास आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें.